परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर है। ये वही परमात्मा है जो बनारस में काशी में भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को बनारस के अंदर लहर तारा तालाब में विकसित कमल के फूल के ऊपर नवजात शिशु का रूप धारण किया सतलोक से आकर। ये वो परमात्मा है, इन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया था। ये वो पूर्ण परमात्मा है, जब सह शरीर आए थे सह शरीर चले गए थे मघर स्थान से। पुण्यात्माओं, परमात्मा की प्राप्ति मोक्ष कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। सबसे कठिन काम है ये निर्णय करना कि परमात्मा कौन है, उसके पाने की विधि कौन सी है, और पूर्ण संत प्राप्ति, ये तीन चीज कठिन है। जब पूर्ण संत मिल जाएगा तो यह संशय भी निवारण हो जाएंगे। अब ये सत्संग जो तत्व ज्ञान के आधार से किया जाता है, ये वो तत्व ज्ञान है, ये वो सच्चिदानंद घन की वाणी में वर्णित यथार्थ ज्ञान है जो किसी भी ऋषि महर्षि के हाथ नहीं लगा, उनको ये ज्ञान नहीं हुआ। केवल कुछ एक पुण्यात्माओं को परमेश्वर स्वयं आकर के सतलोक से आकर के मिले, जैसा कि उसका विधान है। परमात्मा स्वयं ही आते हैं, अपने तत्व ज्ञान को ठीक ठीक वो स्वयं ही प्रचार करते हैं। परमात्मा की परिभाषा अर्थात अपनी जानकारी वो स्वयं ही आकर के बताते हैं, क्योंकि काल भगवान ने सब मिथ्या ज्ञान लोक वेद पूरे मानव समाज में प्रवेश कर रखा होता है। उसी पूर्ण परमात्मा ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व यही तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में लिखवाया हुआ था, उच्चारित किया था, बोला था, जो धर्मदास जी साहेब ने उसको लिपिबद्ध किया था, और वो ज्ञान आज सभी सदग्रंथों से भी मेल खाता है। अब इस तत्व ज्ञान के आधार से निर्णय किया जाएगा कि परमात्मा कौन है, कुल का मालिक कौन है, और उसके पाने की विधि क्या है। ये स्पष्ट हो जाने के बाद फिर परमात्मा का पाना कठिन नहीं, क्योंकि परमात्मा की भक्ति बहुत ही साधारण है, जिसको प्रत्येक वर्ग कर सकता है, गरीब से गरीब कर सकता है, बीमार कर सकता है, रोगी और स्वस्थ सभी भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। लंगड़े लूले जो भी हैं वो परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। ये निर्णय होते ही कि परमात्मा ये है, कबीर देव है, कबीर भगवान, और यही पूजा के योग्य है, इसके पाने का ये मंत्र है, और पूर्ण संत से ही मंत्र प्राप्त करके भक्ति की जाती है। ये तीनों चीज मिलने के बाद, स्पष्ट हो जाने के उपरांत, चलते फिरते बैठ के लेट के सफर में यात्रा में आप उस नाम का जाप करते रहिए, और गुरु मर्यादा में चलिए, जो भी धर्म क्रियाएं बताई हैं वो करते रहिए। सभी ने प्रमाण दिया है कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। ये तो सूक्ष्म वेद कबीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया ज्ञान में लिखा है कि परमात्मा की प्राप्ति का जो मंत्र है वो राम का नाम है, उस राम नाम को अंतिम श्वास तक जाप करते रहिए।
और कभी तो परमात्मा की कृपा होगी, आपको सीने से लगाकर अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे को सतलोक ले जाएगा। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है, ब्रह्म की मेरी साधना का ओम इति एक अक्षरम, ब्रह्म व्यवहारन माम अनुशमरन, ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब स्पष्ट क्या है कि मेरा एक ओम नाम है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, उच्चारण करके सिमरण करने का, और जो अंतिम श्वास तक मृत्यु समय तक श्री छोड़ते समय तक इसी का नाम जाप करता हुआ श्री त्याग जाता तो मेरे वाली गति को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि मेरी साधना कर मुझे ही प्राप्त होगा, युद्ध भी कर और सिमरण भी कर। अब इससे सिद्ध है कि ये सब क्रियाएं काम करते करते अपना जैसा भी जिसका कर्म है उस कर्म को करते करते परमात्मा की प्राप्ति करनी है, नाम जाप से होगी। अब युद्ध से कठिन काम कोई नहीं होता, और कहता युद्ध भी कर मेरा सिमरण भी कर, यानी अपना काम भी करो और मंत्र का जाप भी करते रहो। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताई है कि जो उसकी भक्ति करता है उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन, उस देव पुरुष की जो साधना करता है पूर्ण परमात्मा की, उस भक्ति की कमाई से उसको प्राप्त होता है। और उस परमात्मा की साधना करने का कौन सा मंत्र है, गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन परमात्मा यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति का केवल 3 मंत्र के जाप का सिमरण करने का आदेश है, निर्देश है, और वो 3 विधि से किया जाता है। ओम तत् सत, ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् और सत ये सांकेतिक है, ओम तत् सत, ओम तत् सत कोई जाप नहीं है, तत् और सत ये सांकेतिक है, इनको तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें बहुत प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण है, यथार्थ भक्ति की विधि है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का परमात्म तत्व की जानकारी देंगे, तत्व ज्ञान सुनाएंगे। तो ओम तत् सत को केवल तत्वदर्शी संत ही स्पष्ट कर सकता है, ओम तत् सत कोड वर्ड है। तो कहने का भाव यह है कि जो भी साधना करनी है नाम का जाप करने के करनी है, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और अपना मूल कर्तव्य जानकर, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है परमात्मा की भक्ति, ये जानकर उसका सिमरण करो। तो इन पवित्र सदग्रंथों ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा के पाने का केवल एक जाप मंत्र है, ब्रह्म तक का ओम जाप है, इससे अतिरिक्त जो कि कोई अन्य मंत्र जाप करते हैं जैसे ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव भगवते नमः, ओम एवे नमः, ये इस तरह के जो मंत्र हैं ये कोई जाप के नहीं है, कोई भी सदग्रंथ प्रमाणित नहीं देता इनका। तो ब्रह्म का जाप है ओम, और परब्रह्म का जाप है तत्, तत् मंत्र वो और है जो ये दास बताएगा।
ओम और तत् मंत्र मिलकर दो अक्षर का ये सतनाम बन जाता है। जिन भक्तात्माओं को ये सतनाम प्राप्त है वो समझ रहे हैं। और तीसरा मंत्र जो है वो सत, ये सांकेतिक है, ये सारनाम भी कहलाता है, ये पूर्ण परमात्मा का है। इन तीनों मंत्रों का जाप करना है और तीनों मंत्रों का सिमरण जो है तीन विधि से होता है, तीर विधि तीन प्रकार से, ऐसे परमात्मा पाया जाएगा। ये बहुत आसान है। आप यहां से बस में बैठते हो, अपने कार्य तक जाते हो, घर से अपने कार्यालय तक या किसी अपने दुकान की तरफ के तक या कोई अन्य कार्य से रिश्तेदारी में जाना होता है तो उसमें अपना मंत्र करते हुए जाइए, किसी से बात भी ना कीजिए, क्योंकि यात्री से कितनी बात कर सकता है आदमी, दो मिनट कहाँ से आया, यानी साथ बैठा है तो इतना पूछ सकते हैं कहाँ जाएगा, कहाँ से आए हो, बस। उसके बाद फिर अपना परमात्मा की भक्ति सिमरण शुरू कर दीजिए। ये ऐसा सिमरण है दूसरे को ये भी नहीं पता ये मंत्र कर रहा है या वैसे स्वाभाविक बैठा है, श्वास उस श्वास से इसका जाप होता है। इसी प्रकार कोई किसान है तो अपने खेत में काम भी करे, जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे। अब जैसे हाली खेत जोत रहा होता है किसान, या तो कुछ गाने गाता रहेगा साथ के साथ, कह को रागनी याद कर लेगा या उं करता रहेगा सारा दिन, या कुछ सोचता रहेगा, उसके स्थान पर अपनी भक्ति करता रहे। मजदूर है अपने, उसने क्या करना है, कस्सी का कार्य है या सिर पर टोकरी रख के चल पड़ा, वहाँ डाल के आनी है, वहाँ से वहाँ तक दो सिमरण करे, आते समय फेर करे, तो ऐसे अपने इस रूटीन को बना के रखे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे, इस प्रकार भगवान मिलेगा। अब ये फैसला किया जा रहा है, ये सत्संग जो चल रहा है इसमें ये आपको बताया जा रहा है कि कुल का मालिक कौन है और वो कैसा है और किसने देखा है। जैसा कल के सत्संग में आपको सदग्रंथों से प्रमाणित किया गया था, आपके समक्ष रूबरू कराए थे कि सभी पवित्र सदग्रंथ प्रमाण दे रहे हैं कि परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य सदृश है, साकार है और वो ऊपर सतलोक में रहता है और वहां से चलकर आता है अपनी प्यारी आत्माओं को, अपने श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है आकर के, दृढ़ भक्तों को, और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। ये तो वेद बता रहे हैं उस परमात्मा की लीला कि वो परमात्मा, वो भगवान होता है जो ऐसी लीला करता है। और परमेश्वर ने स्वयं कहा था कबीर जी ने कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। वेद ये चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये चारों वेद परमात्मा कबीर जी की महिमा से परिपूर्ण है, उस पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिपूर्ण है। लेकिन इन चारों वेदों में परमात्मा कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि नहीं है, इसलिए परमात्मा कबीर जी कह अपनी वाणी में कहते हैं कि ये चारों वेद मेरा ही भेद बता रहे हैं, पर मैं मिलूं वेदन से ना ही, मैं इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मैं प्राप्त नहीं हो सकता, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते ना ही, जिस वेद से मैं मिलूं यानी सूक्ष्म वेद से, परमात्मा कबीर जी के पाने की विधि उसमें लिखी है, तो वो चारों वेदों में नहीं है, वो ये वेद जानते ना।